नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स नेस्ट के धमाकेदार वीडियो में। मैं हूं आपके साथ अजय ठाकुर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी श्रद्धा पांडे। आईपीएल 2023 का मुकाबला नंबर 28 खेला जाएगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। कोलकाता नाइट राइडर्स पिछले दो मुकाबले हारकर आ रही है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स का हाल ज्यादा बुरा है क्योंकि पिछले पांचों मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स हार गई है। तो दिल्ली कैपिटल्स जीत की पटरी पर डेस्परेटली आना चाहेगी, कोलकाता भी आना चाहेगी, लेकिन इस वीडियो में आपको हम कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 बताने जा रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच नंबर 28 में कौन से वो 11 खिलाड़ी होंगे, और एक नाम जो है वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है और वो नाम शायद शुरुआत में ही है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए अब ओपनर्स की बात करते हैं। तो रहमानुल्लाह गुरबाज और वेंकटेश अय्यर रहेंगे। गुरबाज ने पिछले मैच में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा था, बट वेंकटेश अय्यर आईपीएल साल 2023 का दूसरा शतक वीर हमें वेंकटेश अय्यर के रूप में की तरफ से भी दूसरे ही 15 साल बाद शतक जो है आया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यार कि 15 साल में किसी ने भी शतक नहीं लगाया केकेआर की तरफ से। तो वेंकटेश अय्यर तो कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज की जगह हो सकता है जेसन रॉय भी दिख सकते हैं हमें, क्योंकि जेसन रॉय टीम में शामिल हुए हैं और रहमानुल्लाह गुरबाज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जेसन रॉय एक एक्सप्लोसिव ऑप्शन है आपके पास। आगे अगर हम बढ़े तो एन जगदीशन और मनदीप सिंह, इन दोनों में से कोई एक नाम। अब इन दोनों को ही देखिए प्रूफ करना है, इनको मौका मिलेगा, मिल सकता है, और अगर मौका मिलता है तो प्रूफ करने का आप कह सकते हो कि शायद आखिरी मौका भी होगा। उसके बाद देखिए नीतीश राणा रहेंगे डेफिनेटली कप्तान, को कप्तान वाली पारी खेलनी पड़ेगी। पिछले मुकाबले में कुछ मुंहजुबानी जंग भी हो गई थी और बल्ले से उतना कुछ कमाल नहीं कर पाए थे, 4 या 5 रन बनाकर वो पवेलियन लौट गए थे। उसके बाद रिंकू सिंह है, देखिए इनके बारे में तो क्या ही कहने, बैक टू बैक 250 के बाद पिछले मुकाबले में इनका बल्ला खामोश रहा था और वो 5 छक्के लगाकर टीम को जिताना, उसके बाद दूसरे ही मुकाबले में फिर 50 अंत तक टिके रहना भले टीम आपकी हार गई। तो रिंकू सिंह तो देखिए स्टार इन दी मेकिंग है और इस सीजन बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे अगर हम बढ़े तो टीम में आंद्रे रसल और सुनील नारायण और लॉर्ड शार्दुल, तो 3 फिनिशर है इस टीम के साथ। आंद्रे रसल नीड्स टू सॉर्ट आउट हिज थिंग्स, क्योंकि गेंद से तो ठीक है, जब जब मौका मिल रहा है वो गेंद से देखिए 2-3 विकेट ले रहे हैं, बट बल्ले से वो काम के लिए रखा गया उनको फिनिश नहीं कर पा रहे, उनके उनका बल्ला चल ही नहीं रहा, या तो ओवर कॉन्फिडेंट है या क्या। सुनील नारायण भी वो तो ना गेंद से कर रहे हैं ना बल्ले से कर रहे हैं, वो दोनों जगह से। और लॉर्ड शार्दुल दोनों में ही डिपार्टमेंट में आपको अच्छा करके दे रहे, बल्ले से एक्सेप्शनली वेल, मतलब शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा कि लॉर्ड शार्दुल के बल्ले से हमें इतने सारे रन्स देखने को मिले। आगे अगर हम बढ़े तो टीम में जो प्योर प्रॉपर गेंदबाज है उमेश यादव, लोकी फर्ग्यूसन और वरुण चक्रवर्ती ये सीजन उनके लिए अच्छा जा रहा है, उनके लिए उमेश यादव ठीक ठाक कर रहे, लोकी फर्ग्यूसन स्पीड से डरा रहे हैं। तो ये है प्लेइंग 11 केकेआर की। सम अप कर देते हैं केकेआर की पॉसिबल प्लेइंग 11, रहमानुल्लाह गुरबाज या जेसन रॉय, वेंकटेश अय्यर, एन जगदीशन या मनदीप सिंह, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, लोकी फर्ग्यूसन और वरुण चक्रवर्ती। तो ये थी पॉसिबल प्लेइंग 11 केकेआर की दिल्ली के खिलाफ। अब आपकी क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 है जरूर हमें कमेंट्स करके बताइए। फिलहाल हम दोनों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।